यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। ये देश वीर जवानों का है। जी हाँ, देश में इतने वीर जवान हैं जो कि अपने कंधों पर देश की रक्षा का भार हमेशा उठाए चलते हैं। लेकिन LOC की अगर बात करें तो वहां पर पाकिस्तानी सेना लगातार अपनी कायराना या फिर कहीं नापाक हरकतों को बार बार अंजाम देने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश का एक बार फिर जो खामियाजा है वो भारतीय सेना को भुगतना पड़ा है, जिनमें एक कैप्टन समेत 3 जवान शहीद हुए हैं। तो इसी पूरे मामले पर ज्यादा चर्चा के लिए कर्नल TS ढिल्लो जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर खबरें अभी तक में। तो सर, जिस तरीके से आपने सुना कि पाकिस्तान लगातार इस तरीके की हरकतें करता है और सीज़फ़ायर का उल्लंघन बार बार किया जाता है और भारतीय सेना को भी उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ता है, पाकिस्तानी सेना की अगर बात करें तो उन्हें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्या लगता है कहाँ पर कमी आ रही है या फिर पाकिस्तान इस तरीके की हरकतों को बार बार क्यों अंजाम देता है? पाकिस्तान ने जो अभी हरकत की है जी, बड़ी शर्मनाक है और इसलिए की है मुझे लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो समझती है कि पाकिस्तान एज ए नेशन पब्लिक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बिल्कुल डाउन जा रहा है और अमेरिका उसको मदद नहीं इस वक्त देने के लिए तैयार, तो उसकी जो आर्मी है वो फील करती है कि उसकी वैल्यू जो है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो नीचे जा रही है, तो वो ये छोटी छोटी हरकतों को बढ़ाना चाहते हैं ताकि अपनी पब्लिक को ये बता सकें कि देखो हम भी पूरा जोर लगा रहे हैं, हम आपके साथ हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। तो वो जो पाकिस्तान ये रियलाइज नहीं करता कि मुल्क छोटे बड़े होते हैं जी, पावर में छोटे बड़े होते हैं, अगर हिंदुस्तान उससे बड़ा मुल्क है तो उनको रियलाइज करना चाहिए हाँ जी ये बड़ा मुल्क है, अगर ये है कि वो हमारे से पावरफुल है तो हाँ जी ये हमारे से पावरफुल है। इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर पीसफुली अपनी डेवलपमेंट करें, पीसफुली रहें, उनको कोई किसी का डर नहीं होना चाहिए। लेकिन ढिल्लो साहब, जिस तरीके से आपने बताया कि अमेरिका भी अब मदद देने को मना कर रहा है पाकिस्तान को, आर्थिक मदद देने के लिए बार बार मना किया जाता है पाकिस्तान को, उसके बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आता, फिर से उसी तरीके की हरकत करता है और अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करता है। वो तो अमेरिका ने भी उनको बता दिया है कि यू आर चीटेड अस वेरी क्लियरली, अमेरिकन हैव सेड के यू आर टेलिंग लाइज टू अस, हमें ये पता नहीं था कि आप मांग रहे हो कि इस काम के लिए है, आप तो उसका मिसयूज करते रहो। इसी तरीके से उन्होंने अपने पूरे गवर्नमेंट में बैठ के इसको एनालाइज किया है, स्क्रूटनाइज किया है एंड दे रियलाइज कि जो मदद देते हैं ये मिसयूज हो रही है, इसका कोई फायदा नहीं है, और वो फर्दर ये फील कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान अमेरिका के साथ रहेगा या किसी और दूसरे मुल्क के साथ चल पड़ेगा और हमें लास्ट मिनट के ऊपर छोड़ सकता है। तो मुझे ये फील हो रहा है कि अमेरिका फील करने लग गया है कि मैं पाकिस्तान के ऊपर पूरा भरोसा नहीं कर सकता। इसी तरीके से हिंदुस्तान भी ये फील कर रहा है कि हम पाकिस्तान के ऊपर पूरा भरोसा नहीं कर सकते, हमारे नेबर हैं उनको सब ऐसे एक्शन लेने चाहिए जिससे उनकी इज्जत बढ़े ताकि हमें महसूस हो कि हम इनके ऊपर भरोसा करें। लेकिन सर, आए दिन भारतीय जवान जो है शहीद हो रहे हैं या फिर घायल हो रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम उठाने की जरूरत है या फिर भारत कब जवाब देगा इन सभी हरकतों का? क्योंकि सैनिक जो है, देश की सेना जो है, वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, मौका आने पर अपने प्राणों की भी आहुति दे देते हैं, तो भारत कब जवाब देगा? ना, भारत जो जो भी अपने शहीद होते हैं जिनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, अभी जो हुए हैं, कल हुए हैं, जो पहले हुए हैं, लेकिन वो तो हमारी ड्यूटी है, अगर हमारे ऊपर किसी ने हमला किया या हमारे ऊपर फायरिंग की तो हमें रिटेलिएट तो करना ही करना है, उसमें हमारी भी कैजुअल्टी होंगी तो उनकी भी कैजुअल्टी होंगी, लेकिन ये कोई हल नहीं है। अगर जितने भी एक्शन अभी हुए हैं, अभी फर्ज करो कल का एक्शन ले लें तो उनको बोले कि आपका क्या गेन इसमें निकला, तो बोलेंगे कुछ नहीं निकला। अगर हमने उसके 10,000 आदमी मारे तो उनको पूछे तब आपको हमें क्या गेन मिला, हमें भी कुछ गेन नहीं मिला। ये तो बिल्कुल बेवकूफों जैसी बातें हो रही है, एक दूसरे के आदमी बिल्कुल सर, क्योंकि अगर भारतीय सेना को वो मतलब भारतीय जवान शहीद हो रहे हैं तो पाकिस्तान को भी तो कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, उनके भी जो सेना के शहीद हो रहे हैं, तो ये पाकिस्तान गलत रास्ते में चल रहा है, उनको अपने मुल्क के अंदर अपने इमाम की डेवलपमेंट में मदद देनी चाहिए, आर्मी को आर्मी का काम करना चाहिए, आर्मी का काम है अपने देश को अच्छी तरह से बचाना ताकि मुल्क तरक्की कर सके, उनको कॉन्सेंट्रेट पाकिस्तान के अंदर करना चाहिए, ना कि पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जाके गोलियां चला के पाकिस्तान को खुश करना चाहिए,
उससे पाकिस्तान की तरक्की नहीं होगी, पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए ऊपर ही उठेगा। तो सर क्या लगता है किस तरीके से पूरा हल निकल पाएगा, क्या नतीजा? ये तो आवाम को महसूस करना चाहिए कि जो हमारी फौज काम कर रही है शायद ये दुरुस्त नहीं है और इसका हल जो है लड़ाइयों से नहीं हो सका, तो ये तो पॉलिटिकली होगा। तो फौज को दो स्टेप पीछे लेना पड़ेगा और ये हरकतें बंद करनी पड़ेगी ताकि जो भी सलूशन निकालना चाहते हैं वो सलूशन निकल पाए। बिल्कुल, ताकि ये जो नापाक हरकतों को बार बार पाकिस्तान अंजाम देने की कोशिश करता है या फिर कहें कि इससे हल नहीं निकले। हाँ, हल नहीं निकल पाएगा क्योंकि एक दूसरे को मारने से या फिर एक दूसरे पर फायरिंग करने से, गोलीबारी करने से नहीं निकल पाएगा। पाकिस्तान के पास इस वक्त मेरा अपना अंदाजा है, वो कभी सोच भी नहीं सकते कि हमें बहुत बड़ी लड़ाई के बीच में जाना चाहिए। उसमें मुल्क जो है 15-20-30 साल पीछे चले जाते हैं क्योंकि इकॉनमी बर्बाद हो जाती है, सिटीज बर्बाद हो जाते हैं, लड़ाई करने से बहुत नुकसान होता है। बिल्कुल, तो पाकिस्तानी सेना को भी ये सोच लेना चाहिए कि वो अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की जो कोशिशें करते आ रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने देंगे भारतीय सैनिक। भारतीय सैनिक जो है वो बहुत पावरफुल है, बहुत डिसिप्लिन्ड है, जो भी उनके ऊपर एक्शन करेंगे वो रिटेलिएट करेंगे और उसका जवाब देंगे। लेकिन ये दोनों जो काम है ये पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं निकाल जी, ये सोचना पड़ेगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सेना को, जो अब तक नहीं हो पाया वो आगे भी वो नहीं कर पाएंगे। तो आखिरकार उन्हें अपने मंसूबों को अंजाम देने की जो कोशिशें कर रहे हैं उन कोशिशों को नाकाम कर रहे हैं भारतीय सैनिक। तो अब यही देखना होगा कि कब तक आखिर पाकिस्तान इस तरीके की हरकतें करता रहेगा।